नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्पेशल इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, अल्टरनेट के ईएमएफ को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, उसका समीकरण क्या था, फॉर्मूला क्या था और ईएमएफ को प्रभावित करने वाले तथ्य कौन कौन से थे, ये आप लोगों ने बारीकी से समझा और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट्स में लिख दिया करो आप। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे कि उस ईएमएफ को प्रभावित करने वाले तत्वों में पिच फैक्टर क्या था और वितरण फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों फैक्टर ईएमएफ को प्रभावित करेंगे, मतलब कि ईएमएफ इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि संपूर्ण रूप से ईएमएफ प्राप्त करने के लिए दोनों पॉइंट्स को पढ़ना अनिवार्य है। ये होते क्या है, पिच फैक्टर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, इनके बारे में जानना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस ईएमएफ के इक्वेशन में और इस अल्टरनेटर के जो ईएमएफ प्राप्त करते हैं उसमें कुछ आपके बारे में कुछ शंकाएं रह जाएंगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, आपको डाउट रह जाएगा जो कि आप दूर नहीं कर पाओगे, तो एक दो क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हो, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो। और इन दोनों तथ्यों में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा, और ये देखेंगे कि इन दोनों में कुछ कन्फ्यूज है, वो कन्फ्यूज क्या है, आपका जो डाउट है वो डाउट क्या है इन दोनों में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो आपने देखा होगा, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में जाना होगा, तो ये बताया था लास्ट में क्या अपने नित्य ने कहा था कि ईएमएफ बराबर क्या था, 4.445 FTKD और KP, लास्ट में ये बताया था, ठीक है ना। ये आपका क्या था, ईएमएफ इक्वेशन था, तो यहाँ केडी केपी क्या है, इस केडी केपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इन केडी केपी के जानने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या पिच फैक्टर के जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप यदि वीडियो को बीच में मिस करते हो तो आपके मन में डाउट रह जाएंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि डाउट रहेंगे और आपके मन में कन्फ्यूज रहेगा, जिसका आप कन्फ्यूज दूर नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों के दोनों तथ्य वाइंडिंग स्थापित करने के आधार से जुड़े हुए हैं कि वाइंडिंग आप लोगों ने किस प्रकार स्थापित की है, आप लोगों ने किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित करके आपने ईएमएफ प्राप्त किया है अल्टरनेटर के आर्मेचर में। तो वाइंडिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब तो सारी बातें आ ही जाएंगी कि बहुत कुछ तथ्य निकलेंगे, लेकिन अपने अल्टरनेटर के इस ईएमएफ में जो दो आपके सामने पॉइंट्स आए हैं उनको पढ़ना भी अनिवार्य है, क्योंकि अल्टरनेटर का चैप्टर चल रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और नोट्स अपडेट करते जाइए। और नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊँ कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार आप नोट्स अपडेट करके नोट्स बना के अपने जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हो। ये आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो अगली वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, तब तक आप नोट्स अपडेट करते रहिए। तो आज क्या देखेंगे, पिच फैक्टर क्या होता है अल्टरनेटर में, पिच फैक्टर आपको आसानी से धीरे धीरे पूरी बातें बताऊंगा, और एक होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखते हैं आज। और आप लोग इतना जानते हो, फैक्टर जहां नाम आता है तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको काफी बार बताया है, फैक्टर जहां, फैक्टर का मतलब होता है गुणक, और गुणक क्या होता है, दो राशियों का अनुपात होता है, दो राशियों का अनुपात हो गया, जैसे मैंने आपको फॉर्म फैक्टर पढ़ाया था और मैंने आपको पावर फैक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको पीक फैक्टर पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, वहां मैंने आपको सपोज बताया कि इनकी इकाई नहीं होती है, तो यहां दोनों की इकाई नहीं होगी, सिर्फ फैक्टर में सिर्फ मान होता है, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात होता है, अनुपात की इकाई नहीं होती है, मान होता है। तो यहाँ सबसे पहले बात आप इसको देखते ही समझ जाने कि इनका एक मान होता है, इकाई नहीं होती है। अब क्या होते हैं ये दोनों, आपको ये बताऊंगा, इसको देखो, इसको कहेंगे पिच फैक्टर, पिच गुणक कहेंगे, क्या कहेंगे, पिच गुणक। मेरे बात गौर से सुनना, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना, आपको समस्या ही नहीं आएगी। और इसको कहेंगे वितरण गुणक, इसको क्या कहेंगे, वितरण गुणक कहेंगे। दोनों के दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये दोनों होते क्या है। देखो, अब आपको बताऊं, आर्मेचर के, जब अल्टरनेटर का आर्मेचर होता है उसमें ईएमएफ जब प्राप्त करते हैं तो वाइंडिंग स्थापित करने के आधार पर निर्भर होता है ईएमएफ। अब उसे देखो कि वाइंडिंग कैसे की आप लोगों ने, अब वाइंडिंग करने का तरीका बता दो। देखो, एक तो होता फुल पिच वाइंडिंग होती है,
और ये कहती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। जब अल्टरनेटर में वाइंडिंग करते, देखो अल्टरनेटर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, अल्टरनेटर के आर्मेचर पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। ये भी आपको बताऊंगा वाइंडिंग किस प्रकार की होती है इसी वीडियो में बताऊंगा। एक होती है कंसेंट्रिक वाइंडिंग और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब कंसेंट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तो करते नहीं है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में या सॉरी अपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में फुल पिच करते हैं या शॉर्ट पिच करते हैं। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि फुल पिच क्या होता है, शॉर्ट पिच क्या होता है। अब शॉर्ट पिच कैसे करते हैं और फुल पिच कैसे, जैसे आप लोगों को बताओ अल्टरनेटर के आर्मेचर में स्थापित की प्रत्येक कॉइल की, ये याद रखना बात कि एक तो वाइंडिंग रखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते, वाइंडिंग को आप लोगों ने जो कॉइल है उसको कितने खासों में कितने स्लॉट में प्रयोग किया, वो तो थी फुल पिच और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। लेकिन स्लॉट किया तो वाइंडिंग की स्लॉट करने के दो सिरे होंगे, आपको दिखाऊँ। जैसे एक वाइंडिंग ले लिया आप लोगों ने, एक कॉइल बनाई, गौर से सुनना मेरी बात, ये आप लोगों ने एक कॉइल बनाई, इस कॉइल के दो सिरे होंगे आपको ये तो पक्का है, पता है, एक सिरा ये होगा और दूसरा सिरा ये होगा, एक कॉइल के दो सिरे हो गए। अब एक जैसे स्टेटर कैसा होता है, देखो आपको दिखाऊँ, ये स्टेटर ऐसा आपका गोल था, स्टेटर कैसा था, गोल स्टेटर होता है और स्टेटर के अंदर की प्रीति आप लोगों को पता है स्लॉट कटे होते हैं, आप लोग जाते भी देख चुके हो और कौन से स्लॉट हैं लगभग यदि स्टेटर इसमें आर्मेचर में देखा जाए, अल्टरनेटर के आर्मेचर में देखा जाए तो पूर्णतः खुले प्रकार के स्लॉट लगभग अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ये स्लॉट अंदर की प्रीति पर होते हैं, ठीक है ना, ये अंदर की प्रीति पर स्लॉट होते हैं अल्टरनेटर के ये, और इसके बाहर क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये अंदर की प्रीति है ये, और यहाँ इन स्लॉटों में वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो देखो ये गोल घेरा है, बिल्कुल गोल होता है, इसमें कितने डिग्री कोण है, 360 डिग्री कोण है, क्योंकि एक चक्कर में कितने 360 डिग्री कोण है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से मानो इसको, देखो ये 180 डिग्री पे है और ये 90, ये 180, ये फिर 270, ये 360, एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो एक वाइंडिंग, एक कॉइल बनाएंगे एक तार की, उस कॉइल के दो सिरे होंगे, मेरी बातें गौर से सुनना, उस कॉइल के दो सिरे होंगे। कहने का मतलब ये आ गया कि अल्टरनेटर के आर्मेचर में स्थापित की गई प्रत्येक आर्मेचर कॉइल के दो सिरे होते हैं, दो पार्श्व होते हैं, हो गए दो पार्श्व, ये हो गए दो पार्श्व, जिसको सिरे बोल दो और अपनी इनमी बस में पार्श्व बोलते हैं, ये तो पक्के होंगे आप लोगों को पता है। अब इस आर्मेचर कॉइल के दोनों सिरों को आर्मेचर खाचों में डालेंगे, वाइंडिंग ये मैं कैसा पढ़ाता हूँ उसको बताता हूँ, आर्मेचर खाचों में डालेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से वाइंडिंग शुरू करते हैं और यहाँ इसके सामने आगे डाल देते हैं, फिर यहाँ से फिर वापस ये पूरी वाइंडिंग इसी में डाल देते हैं घुमा के। तो देखो एक सिरा तो आपका यह आया वाइंडिंग का, एक सिरा यह आया, मतलब कि आप लोगों ने सिरा स्थापित किया, एक सिरा यह आया, कहने का मतलब कि दोनों सिरों को आमने सामने ठीक 180 डिग्री के अंतर पर स्थापित किया, मतलब कि यहाँ से वाइंडिंग स्थापित की, एक सिरा आपका यह वाइंडिंग आया और एक सिरा यह आया और दोनों सिरे ये हो गए, ये एक वाइंडिंग के सिरे। तो कहने का मतलब ये आ गया कि इस आर्मेचर कॉइल के, आर्मेचर कॉइल बनाई, इस आर्मेचर कॉइल के दोनों सिरों को आर्मेचर में, किसके आर्मेचर में, अल्टरनेटर के आर्मेचर में ठीक एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पर स्थापित कर दिया जाए तो वह फुल पिच कॉइल कहलाती है, याद रखना फुल पिच वाइंडिंग होगी, ठीक है ना। ये दोनों 180 डिग्री की दूरी पर स्थापित, जैसे आपको बताऊं 180 डिग्री कैसे, जैसे एक वाइंडिंग ये ले लिया आप लोगों ने, और सुनना मेरी बात, एक वाइंडिंग ये ले ली तो इन दोनों के बीच की डिग्री कितनी, देखो एक सिरा ये है एक सिरा ये है, ये ऐसे घुमाया और ये बीच में स्टेटर आ गया, तो कहेंगे इन दोनों के बीच की डिग्री कितनी है, 180 डिग्री की दूरी पे अंतर पे स्थापित है, इस किसमें, स्टेटर के या अल्टरनेटर के आर्मेचर में। फिर ये तो होगी फुल पिच, कैसी होगी, फुल पिच वाइंडिंग होगी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, एक कॉइल के दोनों सिरों को ठीक 180 डिग्री के अंतर पर आर्मेचर के स्टेटर में स्थापित कर दे, स्टेटर के आर्मेचर में स्थापित कर दिया जाए तो वह क्या कहलाती है, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। एक तो ये था, दूसरी बात की जाए शॉर्ट पिच होती है, जैसे ये यहाँ पे था, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कैसी होती है, सेम टू सेम ऐसी होती है, ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग की दो सिरे हो गई, ये कॉइल है। अब माना कि ये इतनी दूर थी यहाँ पे, जैसे ये है, ये वाइंडिंग 180 डिग्री की दूरी पे थी, ये कम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री थी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लेकिन एक दो स्लॉट कम दूरी पे डाल दिया, अब यहाँ 180 डिग्री नहीं है, बोलो कि 180 डिग्री से कम, दोनों सिरों को 180 डिग्री से कम दूरी पर स्थापित कर दिया जाए तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। तो कभी कभार पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, काफ़ी बार क्वेश्चन भी आए हैं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है और फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, और ये दोनों के दोनों तथ्य ईएमएफ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग वो होती है कि दोनों सिरों को 180 डिग्री से कम दूरी पर स्थापित किया जाए। अब कितना
ये आपका कहोगे सर 180 से 170 चले जाए, 60 से 160 चले जाइए, 130 होगी, 120 होगी, 180 से कितना भी कम हो सकता है, लेकिन 180 नहीं होगा, 180 से ऊपर नहीं होगा, याद रखना बात, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो होगी शॉर्ट पिच वाइंडिंग और ये होगी फुल पिच वाइंडिंग। कहाँ रखेंगे? इस अल्टरनेटर के आर्मेचर में रखेंगे। दोनों ईएमएफ को कैसे प्रभावित करते हैं, मान लीजिए देखो यहाँ एक एन पोल ये है और एस पोल ये है, ये इसके अंदर घूमेगी, वाइंडिंग घूमेगी, तो यहाँ 90 डिग्री के अंतर पर ये स्थापित रहेगा, 90 डिग्री पर ये रहेगा सामने, इसके ये इसके संपर्क में रहेगी, ये इसके संपर्क में रहेगी, कोशिश होना मेरी बात। तो क्या होगा, ये घूमते ही इसमें ईएमएफ पूरा उत्पन्न होगा, इसमें भी ईएमएफ, संपूर्ण ईएमएफ उत्पन्न होगा, दोनों में बराबर बराबर ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये कह सकते हैं इसके फुल पिच और शॉर्ट पिच के बारे में कह सकते हैं, लिख लेना मेरी बातें धीरे धीरे गौर से, कि आर्मेचर में स्थापित इस प्रकार की वाइंडिंग, किस प्रकार की, फुल पिच वाइंडिंग की बात करते हैं पहले, कि फुल पिच वाइंडिंग के बारे में लिख लो, या फिर आपने नहीं लिखा तो लिखना शुरू कर दो, कि दोनों शेरों को आर्मेचर वाइंडिंग के, दोनों शेरों को अल्टरनेटर के आर्मेचर में ठीक 180 डिग्री की दूरी पर स्थापित कर दिया जाए तो वह फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है, और आर्मेचर में स्थापित फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ दोनों शेरों में बराबर होगा। यदि यहाँ 5 वोल्टेज उत्पन्न होता, देखो यहाँ 5 वोल्टेज उत्पन्न होता है, यहाँ 5 ही वोल्टेज होता है, क्योंकि दोनों 180 डिग्री की दूरी पे हैं, तो 180 पर रहेंगे तो 5 रहेंगे, ठीक है ना, 180 पर रहेंगे तो 5 रहेंगे, ये देखो यहाँ पे, तो कहने के बदले आगे दोनों शेरों में ईएमएफ बराबर होगा, और इस प्रकार की कई कॉयलें होंगी, एक कॉयल नहीं होगी, इस प्रकार की बहुत सी कॉयलें होंगी, यदि दोनों शेरों को, इस प्रकार की कई कॉयलें होंगी, दोनों शेरों को सभी कॉयलों को यदि श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए तो वो ईएमएफ आपस में जुड़ जाता है, मतलब एक कॉइल ये होगी, दूसरी कॉइल आएगी, तीसरी कॉइल आएगी, और सबको श्रेणी में, मतलब कि सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे, तो इन दोनों का ईएमएफ आपस में जुड़ जाएगा। तो माना कि यह है एक शिरा है, तो यहाँ E1 होगा और दूसरा शिरा होगा E2 होगा, मतलब ये पता नहीं कितना है, क्योंकि वो अल्टरनेटर के आर्मेचर की वाइंडिंग स्थापित होगा, कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, एक शिरे में E1 उत्पन्न हुआ और दूसरे शिरे में E2 उत्पन्न हुआ, किस में हुआ, ये फुल पिच वाइंडिंग में हुआ है, ये फुल पिच वाइंडिंग में हुआ है। तो कह सकते हैं फुल पिच वाइंडिंग में क्या होगा, फुल पिच वाइंडिंग में क्या, फुल पिच वाइंडिंग में क्या होगा, देखो दोनों शिरे एक कॉइल के दोनों शिरे कितने डिग्री पे होंगे, 180 डिग्री के अंतर पर होंगे, अंतर पर स्थापित होंगे, किसमें, अल्टरनेटर के आर्मेचर में, दोनों शिरों में, दो शिरे होगी, दोनों शिरों में उत्पन्न ईएमएफ बराबर होगा, ठीक है ना, एक ईवन होगा, एक शिरे में ईवन होगा, ईवन बराबर E2 होगा, ये एक शिरा का ईएमएफ है, ये दूसरे शिरा का, E1 बराबर E2 होगा, दो बातें यहां तक आ चुकी हैं। अब देखो दोनों में बराबर है, तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने लास्ट में कि दोनों का ईएमएफ आपस में जुड़ने वाला सब, तो कुल ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ रिजल्टेंट ईएमएफ, ईआर के अंदर रिजल्टेंट ईएमएफ, E1 प्लस E2 आपस में जुड़ जाएगा, तो इसमें निचोड़ ये निकल के आता है कि दोनों शिरों का ईएमएफ आपस में जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ा, सामने आपको लग रहा है, देखो कैसे जुड़ गया, गौर से देखो कैसे जुड़ गया, मतलब आप लोगों ने सिर्फ गणित के रूप में जोड़ा है, याद रखना आप लोगों ने क्या जोड़ा है, गणित के रूप में जोड़ा, तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है, ये भी आपके कन्फ्यूज होता, देखो कि फुल पिच कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ दोनों शिरों में उत्पन्न होने वाला फुल पिच कॉइल के कुल ईएमएफ, फुल पिच कॉइल में कुल ईएमएफ, देखो फुल पिच कॉइल में कुल ईएमएफ दोनों शिरों में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का गणितीय योग है, काफी, एक तो होता है सदिश योग और एक होता है गणितीय योग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शॉर्ट पिच में गणितीय होता है या फिर फुल पिच में गणितीय होता है, तो दोनों में ईएमएफ बराबर होगा तो फिर कैसा होगा, ये गणितीय योग होगा। तो यहां नोट लगा के लिख लो कि फुल पिच क्वाइल में कुल ईएमएफ, फुल पिच क्वाइल में कुल ईएमएफ क्वाइल के दोनों शिरों में या दोनों पार्श्व में उत्पन्न ईएमएफ का गणितीय योग होता है, ये क्या है, ये आपका गणितीय योग है, गणितीय योग है यहां पे, और गणितीय योग सामने सीधा जुड़ा, जैसे इसका दो वोल्टेज वाला इसका कुल ईएमएफ इस क्वाइल में कितना होगा, 4 होगा, और इस प्रकार के 20 क्वाइल होंगे तो कितने जाएंगे, 80 वोल्टेज हो जाएगा, ये आप लोगों का था इसमें। और अब इसको ये लिख सकते हैं, माना कि दोनों बराबर तो होगा, जैसे इसका 2 है और इसका 2 वोल्टेज है, कितना होगा, 4, अब 2 हैं तो लिख सकते हैं ER भी लिख सकते हैं, ER बराबर 2E1, ये भी हो सकता है, ये कैसा है, ये फुल पिच वाइंडिंग का ईएमएफ आपके सामने मिलेगा। तो यहां तक तो समझ गए आप लोग, स्टेटर में वाइंडिंग किस प्रकार की है, फुल पिच की है, शॉर्ट पिच की है।
ठीक है, ये तो होगा। यहाँ पे 2E1 क्या है, ये फुल पिच वाइंडिंग का EMF है कि एक वाइंडिंग की जैसे यहाँ तीन है, यहाँ तीन, तीन को दो से गुणा कर दो, तीन दून छह हो जाएंगे कि तीन तीन छह है, तो ये आपका हो गया फुल पिच वाइंडिंग में EMF। अरे मैंने गुणक नहीं बताया है, अपना प्रश्न क्या है, पिच गुणक क्या होता है और वितरण गुणक क्या होता है, दोनों का दोनों प्रश्न है। तो अब दूसरा देखेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग में EMF कैसा उत्पन्न होगा। अब दूसरी पिच क्या होगी, यहां देखो एक पिच तो होगी फुल पिच, तो अब इसका गुणक कैसे निकाले, दो राशियों का अनुपात करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि फुल पिच का EMF कितना हुआ, वो आप लोगों ने लिख लिया, और मैं आपको यहां स्पष्ट लिखा देता हूं फुल पिच वाइंडिंग में EMF ER रिजल्टेंट मतलब परिणामी EMF क्या होगा, 2E1 या E1 प्लस E2 ये हुआ। अब उस शॉर्ट पिच का और ज्ञात करेंगे, देखो दूसरी वाइंडिंग कौन सी अपनी, शॉर्ट पिच क्वाइल या वाइंडिंग, इसको लघु पिच भी बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे, लघु पिच या आंशिक पिच भी बोलते हैं। कभी आपके सामने क्वेश्चन है आंशिक पिच क्या होता है, आंशिक पिच देखो पिच होता है स्लॉटों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, जैसे एक स्लॉट ये था, एक इसके बीच की दूरी क्या है, पिच है। तो कितनी दूरी पे वाइंडिंग को स्थापित कर रहे हो आप लोग, और स्टेटर में होंगी डिग्रियां, तो चाहे आप इसकी दूरी मान लो, दूरी में तो आपको दूरी में मीटर में आएगी या फुट में आएगी, लेकिन यहाँ डिग्री के हिसाब से ली जाती है, तो पिच को डिग्री में ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाइंडिंग होगी शॉर्ट पिच फुल पिच में, इसमें डिग्रियाँ लेंगे। वैसे पिच का मतलब होता है कि दो आपस में दो जो स्लॉट हैं या दो वाइंडिंग के दो सिरे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, उस दूरी से लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे शॉर्ट पिच क्या होते, देखो शॉर्ट पिच होते यदि आर्मेचर में जो वाइंडिंग स्थापित करोगे आप लोग, आर्मेचर में स्थापित आर्मेचर कॉइल के दोनों सिरों को ठीक एक दूसरे से 180 डिग्री से कम दूरी पर स्थापित कर देते हैं, कितना 180 डिग्री से कम दूरी पर, वो कितना था 180 पूरा था, यहाँ कितना है 180 से कम है। तो मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहाँ से वो वाइंडिंग थी, कौन सी फुल पिच वाइंडिंग की बात करें तो वो वाइंडिंग यहाँ से थी, जैसे यहाँ ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 180 डिग्री है। अब इसकी बात की जाए, देखो शॉर्ट पिच वाला की बात की जाए, तो शॉर्ट पिच मानना कि ये देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी है, देखो यहां से लेके यहां तक कितनी थी 180 है, तो इनके बीच में कितनी है 180 डिग्री है, लेकिन जो वाइंडिंग स्थापित करेंगे वो यहां से एक स्लॉट में यहां से ले जाएगी, और स्लॉट से होती हुई ऐसे आएगी, फिर इस स्लॉट से होती कहां जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे फिर यहां पर आएगी। तो बोलो अब क्या हुआ, 180 डिग्री से देखो यहां तक की दूरी थी, मैं रेड पर से इसको रिमार्क कर देता हूं, यहां तक की दूरी थी, यहां तक की ये तो क्या है, ये तो थी 180, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी की बात करें, यहां से यहां तक की 180 से कम है, 180 डिग्री से कम है। तो कम होगी तो कितनी होगी, ये दूरी ये डिग्री 180 से कम, तो 170 भी हो सकती है, 160 हो सकती है, जितनी भी होगी 180 से कम होगी, तो ये कौन सी होगी, ये शॉर्ट पिच होगी। कि दूरी कितनी है, दो स्लॉट के बीच की वाइंडिंग में दो जो सिरे रखे हैं वो 180 डिग्री से कम दूरी पे आप लोगों ने स्थापित किए हैं, तो इस प्रकार की वाइंडिंग क्या कहलाती है, ये कहलाती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो आर्मेचर क्वाइल के दोनों सिरों को आर्मेचर में 180 डिग्री से कम दूरी पर एक दूसरे से 180 डिग्री से आर्मेचर में एक दूसरे से 180 डिग्री से कम दूरी पर स्थापित किया जाता है, तो क्या होगी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। अब देखो इनमें जो EMF होगा, ये तो सिर्फ EMF केस में ये EMF था, आपको पूछा है फुल पिच वाइंडिंग के दोनों सिरों में EMF इन फेज होता है, यहां इन फेज नहीं होगा, यहां इन फेज नहीं होगा,
याद रखना आपसे पूछा जाएगा फुल पिच बाइंडिंग दोनों शुरू में, दोनों ईएमएफ एक सिरे का दूसरे सिरे के ईएमएफ का सा होगा, इन फेज होगा, लेकिन यहाँ इन फेज नहीं होगा। इन फेज हुआ तो गणित ये योग किया, मेरी बातें गौर से सुना, इन फेज हुआ तो गणित ये योग किया, लेकिन इन फेज नहीं हुआ तो गणित ये योग नहीं करेंगे। इस दूरी का मान निकालेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। इस दूरी का कितने स्लॉट्स हैं, इसको पीछे कहा गया है, कितनी डिग्री का अंतर स्थापित हुआ है इन दोनों में, इस सिरे में कितनी डिग्री का अंतर है, उस अंतर को निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। तो कहने की बात ये आ गई कि इन फेज नहीं होता, तो यहां लिख सकते हैं दोनों सिरों में ईएमएफ, दोनों सिरों में ईएमएफ इन फेज नहीं होता है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, माना कि ये E1 है, देखो ये E1 है और ये E2 है, ये भी E1 था, E1 को एक सिरे का ईएमएफ, ये E2 था, तो इन दोनों ईएमएफ को कैसे जोड़ेंगे। यदि इस प्रकार के कई कॉइल श्रेणी में जोड़ दिए जाएं तो कैसे जोड़ेंगे, वो ईएमएफ कैसे जोड़ेगा। तो कह सकते हैं शॉर्ट पिच कॉइल में दोनों सिरों में उत्पन्न ईएमएफ उनका वेक्टर योग होगा, किनका, इन दोनों का वेक्टर योग होगा। तो इसमें कैसे जोड़ सकते हैं इनको, इस वाइंडिंग में ईएमएफ को कैसे जोड़ेंगे शॉर्ट पिच में, ई रिजल्टेंट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि ये जोड़ेंगे इस, मतलब वेक्टर योग तो करेंगे, वेक्टर योग के साथ इसके बीच का कोण निकालेंगे। तो कह सकते हैं E1 प्लस E2 का वेक्टर योग हो गया, याद रखना है। तो इनका क्या करेंगे, वेक्टर योग जोड़ेंगे इनका। तो ये आगे पूछा जाता है दोनों सिरों का ईएमएफ का वेक्टर योग होता है, लिख लो शॉर्ट पिच कॉइल में दोनों सिरों में उत्पन्न परिणामी ईएमएफ दोनों का वेक्टर योग होता है, ठीक है ना, दोनों का वेक्टर योग होता है। और वेक्टर योग ये दिखा दिया, या फिर ये लिख सकते हैं ई आर स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, साथ में इसको जोड़ेंगे कि इसका कोण कितना था, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, किसमें, इन दोनों के बीच का कोण कितना है। तो पहले तो ये लिख लो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, और ये ऐसे निकल गया यहां से ऐसे, ये तो हो गया वेक्टर योग, लेकिन इन दोनों के बीच का एक कोण तो नहीं लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो अब इस कोण को स्थापित करेंगे, कोण को स्थापित, इस कोण का मान होगा कोस, कोस की दोनों दो राशियों के बीच का कोण है कोस अल्फा टू, ठीक है ना, अल्फा टू के नाम से इसको कहेंगे, कोस अल्फा टू के दोनों के बीच का कोण कितना होगा, वो अल्फा टू आता है, वो अल्फा टू क्या होगा ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे, ये आगे बताएंगे अल्फा क्या है, अल्फा टू क्यों लिखा ये आपको इसमें बताऊंगा अलग। तो कह सकते हैं कि ई आर बराबर टू ई वन, एक तो ये जुड़ा इसके हिसाब से, लेकिन दूरी का अंतर हुआ इन दोनों में, जो दूरी हुई उसके अंतर को कहेंगे कोस अल्फा टू, ये आता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कुल परिणामी ईएमएफ क्या होगा, ये लिख लेना। और उसमें क्या था, उसमें सिर्फ टू ई वन था, इसमें क्या था, इसमें टू ई वन था, और यहाँ टू ई वन तो है लेकिन बीच का कोण जरूर लिया हो रहा। ये तो होगी आप लोगों की दोनों वाइंडिंग, कौन सी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग होगी। अब आपसे पूछा जाए ईएमएफ किस में कम होगा, अब आप लोगों को पता है तो डायरेक्ट जुड़ा था, सीधा जुड़ गया, तो इसका मतलब इसका ईएमएफ इससे अधिक होगा या इसका ईएमएफ इससे कम होगा। और से सुनिए मेरी बात कि आपसे पूछिए फुल पिच वाइंडिंग का ईएमएफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग से अधिक होता है या दोनों में कितना अंतर होता है। तो कह सकते हैं अपने यहां से नोट लगा के लिख लो कि फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग से अधिक होता है, या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फुल पिच वाइंडिंग से कम होता है। तो ये तो थी बात, अब देखेंगे अपना पिच फैक्टर क्या होता है। अब देखेंगे, देखो दो राशियां निकाली आप लोगों ने, कौन सी निकाली, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ईएमएफ निकाला और फुल पिच वाइंडिंग का ईएमएफ निकाला, ये आप लोगों ने लिख लिया है और आपको मैं दिखा देता हूं। मैं इसका ईएमएफ तो आप लोगों ने ये लिखा था पहले, और शॉर्ट पिच का ये हो गया, शॉर्ट का ये हो गया, लिख दूंगा फिर कहोगे सर याद नहीं हुआ, शॉर्ट पिच का हो गया टू ई वन और कोस अल्फा टू, ये अल्फा बताऊंगा आप लोगों को, ये हो गया शॉर्ट का, ये हो गया फुल का। अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो अब निकालेंगे अपना ये पिच गुणक, पिच फैक्टर क्या होता है। अब निकालेंगे पिच फैक्टर, आर्मेचर में या आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार से हो गया, एक तो हो गया वेक्टर योग, सदिश योग, ये क्या था, सदिश योग था, ये क्या था, सदिश योग, और ये क्या था, ये गणितीय योग था, गणितीय योग, मतलब दो योग हुए, वाइंडिंग कैसे की दोनों की बात करते हैं, ये सदिश, ये सदिश में वेक्टर योग था और ये था गणितीय योग। तो कह सकते हैं, फिर ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग व फुल पिच वाइंडिंग का अनुपात होता है, सीधी सिंपल सी बात है, देखो
दो राशियां निकाली आप लोगों ने वाइंडिंग स्थापित करने में, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग का अनुपात होता है, सही है मान लो। या फिर ये कह सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, एक तो सदिश योग हुआ और दूसरा गणितीय योग हुआ, दोनों का अनुपात होता है। तो क्या लिख सकते हैं स्पीच फैक्टर की परिभाषा, क्या लिख सकते हैं स्पीच फैक्टर की, लिख सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का सदिश योग तथा गणित योग का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। क्या लिखेंगे, सदिश योग, सदिश योग व आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का सदिश योग और व गणितीय योग, योग का अनुपात है। ये अनुपात है ना किसमें, आर्मेचर में, असदिश योग किसमें था, शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट पिच में था, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में था। और गणितीय योग किसमें था, ये फुल पिच वाइंडिंग में था, फुल पिच वाइंडिंग में था। अब दोनों का अनुपात कर दें, ठीक है ना, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, पिच गुणक कहलाएगा। और पिच गुणक को देखो, पी का मतलब पी, गुणक को के से दर्शाते हैं, गुणक को के से दर्शाते हैं, और किसका गुणक है, पिच का गुणक है, ठीक है ना, तो उसको के पी से दर्शाते हैं। एक तो ये लिखना, अब गुणक होगा तो इसकी कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मतलब कोई इकाई नहीं होती इसकी, एक याद रखना बात। अब मान कितना होगा वो आपको दिखाता हूं, देखो इसको केपी से, केपी केपी लिख ले, फॉर्मूला बनाएंगे इसका। आप देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का सदिश योग, क्या लिखेंगे, प्रत्येक कॉइल में फॉर्मूला बना लो इसका, प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का सदिश योग, सदिश वेक्टर योग, एक तो ये आ गया अपॉन, क्योंकि अनुपात करेंगे दोनों का, और प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का गणितीय योग, दो बातें होगी। या फिर ये लिख सकते हैं, देखो सदिश योग कहां होता है, शॉर्ट पिच में होता है, तो केपी बराबर ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग या क्वाइल व फुल पिच, ये भी आ सकता है फुल पिच वाइंडिंग का अनुपात हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था आपको ध्यान है, फॉर्मूला क्या था, मैंने इसलिए ऊपर लिखा कि भूल जाएंगे आप। ये देखो फुल पिच का तो ये था और सदिश योग शॉर्ट पिच का ये था, तो 2E1 cos alpha 2, ठीक है, और ये था आपका 2E1, ये था आप लोगों का देखो फॉर्मूला, ये हो गया फुल पिच का, और इस 2E1 से 2E1 कैंसिल हो गया, तो बस क्या गया आपके सामने, KP बराबर cos alpha अपॉन 2, ये बच गया केपी का फॉर्मूला, ये बच गया केपी का फॉर्मूला। अब देखो ये तो थी बात की फॉर्मूले की, अब कहेंगे सर मान किसका दिखता है, इसका मान क्या रहेगा केपी का, अब केपी का मान देखो, मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आप लोगों को कि इसके इस देखिए इसका मान कितना था, इसका मान कम था, किसका मान कम था, ये हमेशा इसका मान कम था, इस शॉर्ट पिच का मान हमेशा कम था, ये शॉर्ट पिच का मैंने बताया था कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ फुल पिच वाइंडिंग से कम होता है। माना कि इसका मान आप मान लेते हो, इसमें ईएमएफ का मान चार मान लेते हैं और इसका 6 मान लेते हैं, दोनों का अनुपात है। अब आप इसमें मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 4 मान लेते हैं या 5 मान लेते हैं इसका, तो ये हो गया 40.8, एक से कम है ना, तो अधिकतम इसका 4 भी होगा, दोनों को बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कह सकते हैं किसका, इस केपी का मान, केपी का मान कितना हो सकता है, 1, अधिकतम 1 होता है, लिख लो पिच गुणक का अधिकतम मान 1 होता है, 1 होता है या इकाई होता है। ये आप लोगों का था वाइंडिंग आप लोगों ने किस प्रकार स्थापित की है आर्मेचर में, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला था आप लोगों का, मैंने आपको पूरा लिखवाया है। केपी का अधिकतम मान 1 होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग का योग अनुपात होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में सदिश योग था, फुल पिच वाइंडिंग में गणित योग था, और सदिश योग में गणित योग का अनुपात होता है, लास्ट इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। और कहने की बात आती है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ईएमएफ फुल पिच वाइंडिंग से कम होता है, ये लिख लेना आप यहाँ पे।
ठीक है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ईएमएफ लेस देन, ये यहाँ से शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ईएमएफ लेस देन इससे कम होता है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो था दोस्तों आप लोगों का पिच फैक्टर या फिर पिच गुणक क्या होता है। अब देखो आप लोग ये देखोगे कि अल्फा क्या था, अल्फा के बारे में बताता हूँ। देखो अल्फा क्या है, अल्फा मैंने आपको बताया था कि अल्फा क्या है, दोनों कॉइलों के सिरों के बीच का अंतर है, दोनों कॉइलों के सिरों के बीच का अंतर है। अब ये तो कितना था, 180 था, लेकिन ये 180 से कम डिग्री का अंतर है, तो जितना अंतर होता है वो होता है अल्फा, ये होता है अल्फा। दोनों लिख लो अल्फा के बारे में लिखना चाहो, अल्फा क्या है, अल्फा इसका नाम है अल्फा, अल्फा कौन होता है किसी दो राशियों के बीच का कौन होता है, तो लिख लो दोनों कॉइल के दोनों सिरों के, कॉइल के दोनों सिरों के बीच का एंगल है, बीच का कोण है ये, या एंगल के कह सकते फेज अंतर भी हो सकता है, इसको कहते हैं एंगल कितना है, फेज अंतर है, या फेज अंतर है दोनों। देखो कभी कभार क्या आता है, ये जो दोनों कॉइल हैं इसको केपी के अलावा केसी से भी दर्शा देते हैं, लेकिन लगभग आपको 90% केपी मिलेगा, केसी भी मिल जाए तो कोई बात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केसी क्या था, केसी मैंने एसी के चैप्टर में क्रेस्ट फैक्टर पढ़ाया था, वहां इसको केसी से दर्शाया था, ये कि यहाँ केपी होगा, केसी मिल जाएगा यहाँ पे, कि पिच गुणक को केसी से दर्शाते हैं, केपी नहीं मिले तो कभी कभार इसको केसी भी से भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ये तो था आपका पिच गुणक। अब देखो दूसरी वाइंडिंग पढ़ेंगे, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है ये अपना गुणक, डिस्ट्रीब्यूशन गुणक पढ़ेंगे आप, तो वितरण गुणक के बारे में देखते हैं। एक तो ये आपका हो गया, ये देखो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर के आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ये तो वाइंडिंग स्थापित करने का तरीका था कि वाइंडिंग स्लॉटों में किस प्रकार स्थापित की आप लोगों ने, लेकिन वाइंडिंग जो की वाइंडिंग होती कितने प्रकार की है, तो यहाँ दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आर्मेचर पर, किसके अल्टरनेटर के आर्मेचर पर दो प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ये अभी वाइंडिंग का चैप्टर आया नहीं है, वाइंडिंग का चैप्टर आएगा तो पूरा वर्णन ही आ जाएगा इसका, लेकिन अपने बीच में टॉपिक आ गया ईएमएफ का, किसमें अल्टरनेटिव, तब ये इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, अन्यथा वाइंडिंग के चैप्टर पूरा ही आ जाता है। अल्टरनेटर के आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग स्थापित होती है, कौन कौन सी होती है आपको दिखा देता हूं। देखो एक तो होती है कंसेंट्रिक वाइंडिंग, कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, इसको कहते हैं एकत्रित कुंडल बोल सकते हैं, एकत्रित कुंडल, एकत्रित कुंडलन, या इसको संकेंद्रित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकेंद्रित, संकेंद्रित कुंडल में बोल देते हैं इसको, ये होते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग या संकेंद्रित कुंडल, एक तो इस प्रकार से करते हैं। दूसरी वाइंडिंग कैसे करते हैं, दूसरी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, दूसरी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं वितरण कुंडलन। दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, किसमें अल्टरनेटर के आर्मेचर पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो होती है कंसेंट्रिक और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो इसकी बात कर लेते हैं, कंसेंट्रिक क्या होती है, एकत्रित होती है, एक ही जगह वाइंडिंग में पोल बन जाते हैं, जैसे आपको बताता हूं। देखो मैं किस प्रकार पोल बनते हैं, यहाँ देखो मेरी भाषा समझना आप, जैसे ये स्लॉट ले लिया आपको, मैं ये गोल तो नहीं दिखा सकता, जैसे किसी स्लॉट को देखा और मैंने 30 स्लॉट दिखा दिए, मैं आपको स्लॉट दिखाऊँ, एक स्लॉट ये ले लिया आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को बताऊँ किस प्रकार, देखो ये जैसे स्ट्रेट आपका गोल है और इसके अंदर की परिधि पर स्लॉट है ये, तो यदि इस स्ट्रेटर को काटें और सीधा कर दें, जैसे गोल स्लॉट ऐसे होता है ना, गोल जैसे ऐसे गोल है, ऐसे गोल है, इसको यहाँ से काटेंगे और सीधा कर देंगे इस प्रकार से, इसको ऐसे इस बीच में काट के, तो आपको स्लॉट कैसे दिखाई देंगे, फ्रंट से स्लॉट देखोगे, मान लीजिए कि आपको मैं दो चार स्लॉट ही दिखा देता हूँ, एक स्लॉट ये था और मान लीजिए कि एक स्लॉट ये है और एक स्लॉट ये, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ किस प्रकार कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक स्लॉट चार स्लॉट दिखा देता हूँ, माना कि चार स्लॉट है, अब वाइंडिंग कैसे करेंगे, देखो कंसेंट्रिक वाइंडिंग क्या होता है, यदि एक फेज के सभी चालक, माना कि थ्री फेज की वाइंडिंग है या सिंगल फेज की वाइंडिंग कैसी भी है, एक फेज के सभी चालक एक ही स्लॉट में एक ही पोल के संपर्क में रहें, गौर से सुनो मेरी बात, एक फेज के सभी चालक एक ही स्लॉट में और एक ही फेज के या एक पोल के संपर्क में रहें, तो वह कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, पोल
स्लॉट और कॉइल साइड बराबर होंगे, जितने पोल होंगे उतने ही स्लॉट होंगे। वैसे सुना मेरी बात, जितने पोल होंगे उतने ही स्लॉटों की संख्या होगी और उतने ही वाइंडिंग के सिरे होंगे। जैसे आपको बताओ एक कॉइल लेते हैं, एक कॉइल का जैसे एक सिरा यहाँ लिया तो एक पोल यहाँ बन गया, एक ही पोल हुआ, कॉइल का एक सिरा हुआ। इस कॉइल को घुमा के यहाँ देखा, यहाँ भी एक पोल बन गया, यहाँ भी पोल हुआ, यहाँ भी पोल बन गया, और यहाँ भी पोल बन गया, यहाँ भी पोल बन गया। इस प्रकार मैंने घुमाते थे, एक ही स्लॉट हुआ। जैसे ये पोल पी बन गया, ये एन बन गया, ये पी बन गया, ये एन बन गया, मैंने एक एक स्लॉट में एक एक पोल ही बनते चले गए उसको। और कुछ क्या होते हैं कि एक जैसे चार पोल की मोटर की 36 स्लॉट हैं, गौर से सुनना, चार पोल की मोटर बनाई और चार पोल के उसमें आर्मेचर में कितने स्लॉट है, 36 स्लॉट हैं, तो एक पोल में कितने स्लॉट आ गए, 9 स्लॉट आते हैं, एक पोल में 9 स्लॉट आते हैं। इधर 9 स्लॉट का एक पोल बनाते हैं, वाइंडिंग करेंगे तब आपको बताएंगे 9 स्लॉट का, तो कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। लेकिन माना कि इसमें 10 स्लॉट थे और 10 ही पोल बन गए, 10 स्लॉट थे 10 ही पोल बन गए, और एक एक कॉइल का एक एक शिरा वहाँ पे आता चला गया। मान लें कि एक कॉइल के एक शिरे में 10 सालक है, तो इसमें 10 सालक घुसाए एक पोल बन गया, इसमें घुमाए एक पोल बन गया, इस प्रकार की वाइंडिंग होगी, श्रेणी क्रम में जोड़ते चले गए। तो ये किस प्रकार की वाइंडिंग होगी, ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग होगी, ये कंसेंट्रिक सेकेंडरी कुंडलन होगी। तो इसके बारे में परिभाषा क्या लिख सकते हैं, कौन सी की, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखोगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, लिख लेना कि यदि एक फेज के सभी चालक एक ही स्लॉट में एक ही पोल के संपर्क में रहें तो वह कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। और जिसमें से क्या होगा, और दूसरी परिभाषा बताऊं, जब स्लॉट की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो जाए तो पूरी वाइंडिंग एक ही खांचे में स्थापित की जाती है। स्लॉट की संख्या जैसे 10 स्लॉट हैं और मोटर में 10 ही पोल हैं, 10 स्लॉट हैं, 10 ही पोल की मोटर बनानी है, तो पूरी की पूरी वाइंडिंग एक ही खांचे में आएगी। जैसे एक वाइंडिंग आ गई, पूरी की पूरी वाइंडिंग आ गई, यही इसका संयोजन हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पोल की संख्या बराबर स्लॉट की संख्या बराबर क्वाइल की संख्या बराबर होती है यहाँ पे, किसमें, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में। तो इसमें जब स्लॉट की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो तो पूरी की पूरी वाइंडिंग एक ही स्लॉट में डाल दी जाएगी और वह कंसेंट्रिक वाइंडिंग बन जाएगी। और इस वाइंडिंग में ईएमएफ का मान अधिक उत्पन्न होता है, किसमें, पहले तो था फुल पिच में, यहाँ कौन से में होगा, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में ईएमएफ अधिक होगा। यहाँ कैसा होगा, इस कंसेंट्रिक वाइंडिंग में ईएमएफ का मान ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा, किससे, दूसरी बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड से अधिक उत्पन्न होगा। एक तो याद रखना, अधिक उत्पन्न होगा किसमें, होगा कंसेंट्रिक वाइंडिंग में, आगे समझ में और कुछ नहीं था। जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी अल्टरनेटर के आर्मेचर में 10 स्लॉट हैं और 10 ही पोल को स्थापित करना है तो कौन सी वाइंडिंग करेंगे, कंसेंट्रिक वाइंडिंग करेंगे। एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, एक पोल का एक स्लॉट आएगा, कॉइल कहाँ जाएगी, पूरी एक स्लॉट में डाल दी जाएगी, तो वो होगी कंसेंट्रिक वाइंडिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इस वाइंडिंग में अधिक उत्पन्न, लेकिन साइन वेव नहीं होता इसमें, इसमें ईएमएफ कैसा नहीं होगा, साइन वेव इसके अवगुण है, ईएमएफ साइन वेव नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता। तो कौन से करते हैं अल्टरनेट में, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में कौन से करेंगे, शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। नहीं तो आपसे पूछा जाए कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो साइन वेव नहीं होगा, साइन वेव नहीं होने के कारण कंसेंट्रिक वाइंडिंग का, क्योंकि अपने को कैसे चाहिए जी, साइन वेव यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी वाइंडिंग दिखाता हूँ आपको मैं, दूसरी वाइंडिंग कैसे आएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वो दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ से पहली वाइंडिंग होगी पूरी, फिर इन दोनों का अनुपात करेंगे, आपको ईएमएफ दिखाऊंगा इसमें कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब दूसरी वाइंडिंग दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए होंगे आप, विस्तार करना। जैसे वो चार स्लॉट दिखाता हूँ, एक स्लॉट ये ले लिया आप लोगों ने, मतलब कि पूरा घुमा के गोल कर देते ऐसे, ठीक है ना। अब चार ले लिया, कोई सिर्फ चार ही लेते, पाँच ले लेते हैं, छः ले लेते हैं, ये सात ले लिया कोई बात नहीं है, और ये आठ ले लिया, मतलब कि ये, और ये नौ स्लॉट ले लिया, आपके पास नौ दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, नौ स्लॉट ले लिया। अब आपको वाइंडिंग करनी है,
मतलब कि 36 स्लॉट की मोटर है, गौर से सुनना, और 4 पोल की बनानी है, तो एक कॉइल कितने स्लॉट में जाएगी, एक कॉइल 9 स्लॉट में घूम के आएगी, क्योंकि एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, 9 स्लॉट आएंगे, तो एक कॉइल 9 स्लॉट को कवर करेगी, यहाँ से ऐसे करेगी, 9 स्लॉट को कवर करेगी यहाँ से, एक कॉइल 9 स्लॉट को कवर कर लेगी यहाँ से, तो ये कितने आगे, एक कॉइल में कितने स्लॉट आगे, 9 स्लॉट आगे, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं कि इसमें देखो परिभाषा क्या लिख सकते हैं, यदि प्रत्येक पोल के सभी चालक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करेंगे, प्रत्येक पोल के सभी चालक एक स्लॉट में स्थापित न करें, कई स्लॉटों में स्थापित कर दिया जाए, कई स्लॉटों में है कि नहीं, ये वाइंडिंग घूम गया कि फिर यहाँ से इसमें घूम गया कि फिर यहाँ से इसमें घूम गया कि, जैसे आप लोगों ने इसी आपने की होगी, जैसे कूलर की वाइंडिंग की होगी, कूलर की स्टार्टर की वाइंडिंग की होगी, या एसी मशीन की स्टार्टर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, ऐसा नहीं करते कि सीधे डायरेक्ट डाल दी, दो खासों में डाल के बंद कर दिया उसको, ऐसा नहीं करते हैं, घुमा घुमा के करते हैं, ठीक है ना, घुमा घुमा के करेंगे तो कल सी वाइंडिंग हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, आर्मेचर अल्टरनेटर के आर्मेचर में यही वाइंडिंग स्थापित की जाती है, लेकिन इसमें ईएमएफ का मान कम जरूर होता है, लेकिन साइन में मिलेगा आप लोगों को। तो इसकी परिभाषा लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की, कि यदि प्रत्येक पोल के सभी चालक एक स्लॉट में स्थापित न कर, एक स्लॉट में कई स्लॉटों में स्थापित कर दिया जाए, तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। अब बताओ एक पोल में कितने स्लॉट आ गए, कई स्लॉट आ गए, तो कह सकते हैं कि एक पोल में, एक पोल के नीचे, एक पोल के नीचे बात करें, एक पोल के बीच में, एक पोल के नीचे कई स्लॉट होते हैं, इसमें इसकी पहचान क्या रहेगी, एक पोल, एक पोल, ये पूरा एक पोल बनेगा, एन पोल बनेगा, फिर अगले नो में एस पोल बन जाएगा, फिर अगले नो में एन बनेगा, तो एक पोल में, एक पोल के नीचे कई स्लॉट होते हैं, यहां पे कई स्लॉट होते हैं, हो गए, तब जाके कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी। अब देखो इसके गुण क्या है, इसके अब गुण में बताऊंगा आपको इसको, और गुण क्या है, उसमें क्या था, इसमें साइन वेव नहीं था, कंसल्टिंग में क्या था, साइन वेव नहीं था इसमें, और यहाँ साइन वेव ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसके गुण देख लो, साइन वेव ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है, और अपने को चाहिए क्या, साइन वेव चाहिए, एक इसमें हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, उसमें हार्मोनिक्स थे तब तो साइन वेव नहीं हुआ, इसमें हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उससे कम हो जाते हैं, और कम होते ही साइन वेव बन जाती है। एक दूसरा आता है कि इसमें आर्मेचर जो स्लॉट है, आर्मेचर की पूरी कोर उपयोग में की जा सकती है, आर्मेचर की जो कोर होती है ना, कोर आर्मेचर की पूरी कोर, वो उपयोग में ली जा सकती है, आर्मेचर की संपूर्ण कोर उपयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जा सकती है, उसमें नहीं होती थी। इसके इसके गुण है, इससे इसमें के कारण से संपूर्ण काम नहीं आती थी, बीच बीच में जगह छूट जाती थी, कि एक एक वाइंडिंग में एक एक स्लॉट डाल देंगे, एक कॉइल डाल देंगे तो बीच में जगह छूट जाएगी, यहाँ पूरा का पूरा शटर काम आ जाता है, कहीं से दिखाई नहीं देगा आपको, संपूर्ण शटर काम आएगा यहाँ पे, और संपूर्ण शटर काम आएगा तो यहाँ पे हार्मोनिक्स उत्पन्न नहीं होंगे, साइन वेव ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अवगुण क्या है, अवगुण ईएमएफ, अवगुण लिख लो इसका, ईएमएफ कम उत्पन्न होता है, जिसका अवगुण है ईएमएफ कम उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी कितना, ऐसे आप ये मानो कि 200 वोल्टेज हुआ सर 150 वोल्टेज हो गया, इसमें कम कर दे, नहीं, कुछ 1-2% ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस 1-2% ईएमएफ के बदले में साइन वेव एसी को अपन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंसेंट्रिक वाइंडिंग को छोड़ देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में कौन से लेंगे, शॉर्ट पिच, डिस्ट्रीब्यूटेड भी शॉर्ट पिच करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड भी शॉर्ट पिच कर लेंगे, कि ईएमएफ तो भले ही कम मिले लेकिन मिलेगा साइन वेव, प्योर एसी साइन वेव अपन को ईएमएफ मिलेगा। ये तो थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और कंसेंट्रिक वाइंडिंग, लेकिन होती दोनों आर्मेचर में। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, वितरण गुणक क्या होता है। अब बताओ कौन से वाइंडिंग में कम हुआ, देखो ये लिख सकते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग में ईएमएफ अधिक होगा और इसमें कम होगा, तो अब इसका अनुपात क्या लिखें, देखो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसे कहते हैं। आपके सामने दो वाइंडिंग आई हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आई थी और एक कंसेंट्रिक आई है, यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, ठीक है ना, यहां ई का मान अधिक है और यहां ई का मान कम है, तो इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताता हूँ,
आर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, गौर से सुना, इस वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ और इस वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ दोनों का अनुपात होता है, दोनों का अनुपात होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में, इसको केडी से दर्शाते हैं, पहले तो लिख लो इसको केडी से दर्शाते हैं, और इसका जो अनुपात है केडी बराबर क्या लिख सकते हैं, केडी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, ईएमएफ और दूसरा कंसेंट्रिक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात लिख लो। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ और कंसेंट्रिक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ईएमएफ किसका अधिक था, इसका कम था, देखो इसका अधिक था और इसका मतलब इसका कम है, तो कम है तो क्या देखो इस देखो ये अधिक ये कम है ये अधिक है तो एक से ऊपर नहीं जाने वाला, तो कह सकते हैं केडी का मान एक से कम होता है, इसका केडी कौन है, केडी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका मान एक से कम होगा, केडी का मान लेस देन एक होगा, उसका एक से अधिक नहीं होता है, कह सकते हैं कि दोनों का मान एक से अधिक नहीं जाएगा, दोनों का मान एक से अधिक, उसका एक हो सकता था, इसका एक नहीं होने वाला है। अब देखो वो बात बताने भूल गया कि यहाँ पे इसका सदिश योग होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में जो योग जो ईएमएफ उसका सदिश योग होता है और इसका गणितीय योग होता है, वो पहले वाली बात है गणितीय योग होता है, तो ईएमएफ का सदिश योग और उत्पन्न ईएमएफ का गणितीय योग दोनों का योग होता है। अब इसके योग की बताता हूँ कैसा होता है, देखो ये तो आप मैं आपको खोल के नहीं बता सकता, जैसे इसके वाइंडिंग को करेंगे तब बताऊंगा कितना तो इसमें विस्तार हुआ वाइंडिंग का और कितना कोण हुआ है और दोनों पोल दोनों स्लॉट के बीच की दूरी का विस्थापन कोण क्या होता है, ये आपको वैसे बता दूंगा, और दोनों जो बीच में कोण आएंगे उसको कोण को क्या दर्शाएंगे किससे दर्शाएंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके बारे में कि इन दोनों का क्या होगा। देखो इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, इसकी कंसेंट्रिक वाइंडिंग की बात की जाए, यहाँ ऊपर कौन सी वाइंडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग की बात की जाए तो होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में तो होता है इसका मान ईएमएफ का मान होता है साइन एम बीटा टू और इसका होता है एम साइन बीटा टू, ये होता है याद रखना, इसका होता है कंसेंट्रिक का तो होता है एम साइन बीटा टू और इसका होता है एम साइन एम बीटा टू, ये दोनों के दोनों कितने हैं, इसके मान है, तो इसका मान तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का मान तो ये है और कंसेंट्रिक वाइंडिंग का मान ये है, तो इस केडी के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, इस केडी के बराबर क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बराबर, केडी बराबर साइन एम बताऊंगा क्या है और ये बीटा टू और एम साइन बीटा टू, ये इसका अनुपात है दोनों का, दोनों में ईएमएफ ये क्या है, ये सदिश योग है, ये गणितीय योग है। अब बीटा क्या, देखो मैं लिखा देता हूं एम क्या है, यहां एम बराबर क्या होगा और लिख लो, और बीटा एम एम बराबर क्या होगा साइन क्या है और बीटा क्या है, यहां एन भी लिखूंगा ठीक है ना, तो एम तो है प्रति फेज स्लॉटों की संख्या, प्रति फेज स्लॉट कितने हैं, स्लॉट की संख्या, एम प्रति फेज स्लॉट की संख्या, और दूसरा आता है ये बीटा, बीटा क्या है दो पास पास के स्लॉट के बीच की दूरी, ये बीटा क्या है दो पास पास के स्लॉट के बीच की दूरी का एंगल, ये है दो पास पास के स्लॉट के बीच की दूरी का विस्थापन कोण कितना है वो है, और उसकी बात करते हैं देखो ये कोण का मान कैसे, बीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बीटा का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें बीटा का मान करेंगे 180 डिग्री तो दूरी, क्योंकि 180 डिग्री से अधिक नहीं ले जा सकते, और प्रति पोल स्लॉट कितने आते हैं, प्रति पोल स्लॉट, ये बीटा का मान ऐसे पूछा जाए कि बीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बीटा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है,
तो दोस्तों ये तो था आप लोगों का वितरण गुण, और दोनों का मान एक है यदि आपको उस फॉर्मूले में कौन से में अल्टरनेटर के आर्मेचर के में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ के फॉर्मूले में केडी केपी का मान नहीं दिया जाता है तो एक मान लेना, गौर से सुनना, एक मान लेना, और मान देते हैं तो उसका मान रख देना। अब यहाँ इसका मान मैंने बताया कि उस बीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बच गई, उसको इस फैक्टर को कौन से को, इस फैक्टर को ब्रेड्थ फैक्टर के नाम से जानते हैं, याद रखना इस फैक्टर को ब्रेड्थ फैक्टर, ब्रेड्थ फैक्टर के फैक्टर भी कहते हैं। कभी कभी आपके सामने नाम आ जाए तो ब्रेड्थ फैक्टर क्या होता है, बी आर ई ए डी टी एच फैक्टर क्या होता है, ये आप लोगों को ईएमएफ को प्रभावित करने वाले तथ्य हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना कि सर कुछ धीरे समझ में आया, आया नहीं, यदि कम समझ में आया तो मेरे को बताना, कमेंट्स जरूर लिखना, अपने कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त जरूर करके जाना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।